ईश्वरन वाज ए मास्टर स्टोरी टेलर। ईश्वरन कहानी सुनाने में बहुत कुशल था। ही नरेटेड इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स बाय क्रिएटिंग ए लॉट्स ऑफ सस्पेंस। वह छोटे से भी इंसिडेंट को, छोटी सी घटना को भी बहुत ज्यादा सस्पेंस के साथ, रोमांच के साथ उसका वर्णन करता था, उसे रोमांचक बना देता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड टू डिस्क्राइब ए फॉलन ट्री, उदाहरण के लिए यदि उसे एक गिरे हुए वृक्ष का वर्णन करता है करना है, ही वुड नॉट सिंपली से दैट ही सॉ ए अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। वह केवल इतना सिंपल वे में ये नहीं कहेगा कि उसने एक गिरा हुआ वृक्ष देखा हाईवे पर, मतलब रास्ते में। ही वुड से, वह उसे इस तरह से सुनाएगा, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज अलोन। यह सड़क बिल्कुल सुनसान थी, डेजर्ट मीन सुनसान, और मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक ए एनर्मस बुशी बीस्ट। अचानक मैंने एक चीज देखी जो कि बहुत विशाल का जानवर जैसे लग रही थी। बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज ओनली ए फॉलन ट्री। लेकिन जैसे ही मैं पास गया, मैंने पाया कि वह एक गिरा हुआ वृक्ष है। इस तरह से वैसे इंटरेस्टिंग बना देता था बात को। वन डे ईश्वरन टोल्ड महिंद्रा द स्टोरी ऑफ ए मैड टस्कर। एक दिन उसने, ईश्वर ने महिंद्रा को कौन सी कहानी सुनाई, एक पागल हाथी की। वो बताता है कि वन डे टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। वह बताता है कि एक दिन एक हाथी उसमें से एक हाथी लकड़ी के गोदाम से भाग गया था। ही रोम हियर एंड देयर, वह इधर उधर घूमने लगा। देन द टस्कर रीच द टाउन, फिर वह कस्बे में पहुंच गया। हाथी, टस्कर मीन्स हाथी, एलिफेंट है यहाँ पे। पीपल रेन हियर एंड देयर इन टेरर, बहुत लोग बहुत डर गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। आफ्टर सम टाइम द एलिफेंट एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड एंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। उस समय के बाद हाथी एक स्कूल के ग्राउंड में पहुंचा जहां पर बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रेन इन टू द क्लासरूम एंड शट द डोर, सभी लड़के क्लासरूम के अंदर चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। द एलिफेंट पुल्ड आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट और द वॉलीबॉल नेट एंड ब्रोक द ड्रम कैप्ट फॉर एवर। हाथी ने वहां पर बहुत उत्पात मचा दिया, उसने फुटबॉल के गोल पोस्ट तोड़ दिए, खंबे डंडे तोड़ दिए और उसने वॉलीबॉल का नेट भी फाड़ दिया और ड्रम भी तोड़ दिया जिनमें पानी रखा गया था। एवरीवन वॉच्ड हेल्पलेसली, सभी असहाय दिखाई दे रहे थे। ईश्वरन सेड दैट ही वाज स्टडिंग इन दैट जूनियर क्लास एट दैट टाइम। ईश्वर ने बताया कि वह उस समय छोटी क्लास में था। ही ग्रैब्ड ए स्टिक ऑफ मास टीचर एंड केम टू द एलिफेंट, उसने एक छड़ी उठाई एक अध्यापक की और हाथी के पास गया। ही स्टक द एलिफेंट स्टोनेल, उसने उसके अंगूठे पर प्रहार किया, स्टक मीन्स प्रहार किया। इट शिवर्ड एंड फेल डाउन, एक बार कांपा दर्द से और गिर गया। ए वेटरनरी डॉक्टर वाज कॉल्ड, एक जानवरों का डॉक्टर को बुलाया गया। आफ्टर टू डेज द एलिफेंट महावत केम एंड टुक इट अवे, दो दिन के बाद महावत आया जो हाथी को लेकर जाता हुआ आया और उसे ले गया। ईश्वर टोल्ड महिंद्रा दैट ही मेड द एलिफेंट अनकॉन्शियस यूजिंग द जैपनीज आर्ट कैरेट कराटे ऑफ जुजुत्सी। वो ईश्वर उसे महिंद्रा को बताता है कि उसने एलिफेंट को बेहोश कैसे किया था। उसने जैपनीज कला, कराटे कला का उपयोग किया था जिसका नाम है जू जित्सु, उस कला से उसने हाथी को बेहोश किया था।